जो केंद्र का बजट था आज उससे ज्यादा जीएसटी की कलेक्शन है। सरकार केवल गरीबों के कल्याण के लिए एक पड़ोसी देश दिवालिया हो गए हैं, चाहे वह पाकिस्तान हो या श्रीलंका। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो लगातार विकास कर रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और जब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश की बागडोर संभाली तो देश की इकोनॉमिक व्यवस्था 11 नंबर पर, लेकिन मोदी सरकार ने उसे 5वें नंबर पर लाए और अब तीसरे नंबर पर लाने की तैयारी है। आज जो जनता टैक्स दे रही है उसी से मोदी सरकार के नेतृत्व में जो टैक्स आता है वह केवल जनता की भलाई में ही इस्तेमाल होता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 14 साल के कार्यकाल में विपक्षी पार्टियां भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाई। देखिए, ये 9.5 साल हो चुके केंद्र सरकार को बने हुए। इन 9.5 साल में जितना जब 2014 में हम आए जो पूरे केंद्र का बजट था उससे ज्यादा तो जीएसटी कलेक्शन है, अब आप कह सकते हैं। और ये सरकार गरीब कल्याण और डेवलपमेंट दो मुद्दे फोकस रहे हैं। और आज पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति अगर आप देखेंगे, हमारे पड़ोस तो दिवालिया हो गया, चाहे श्रीलंका हो पाकिस्तान, और 2014 से पहले हमारी आर्थिक स्थिति इन जैसी थी। पूरा यूरोप अमरीका एक तरह से मंदी के दौर में, हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जो विकास कर रहा है, प्रगति की राह पे आप ये कह सकते हैं। तो ये सब मोदी जी का नेतृत्व की वजह से हुआ है, सब जानते हैं इस बात को, नहीं तो कोरोना जैसे काल से भी हिंदुस्तान बेहतर तरीके से निकला है। तो देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे है और टारगेट मोदी जी ने ऑलरेडी ले लिया है कि हमें तीसरे नंबर पर अगले 5 साल में आना है। तो 11वें से 5वें पर तो आ चुके, 11वें में दिया था कांग्रेस ने हमें जब छोड़ दी थी, अब आगे 3रे में जाना। और देश समझ चुका है कि कौन देश को चला सकता है बेहतर तरीके से, तो मोदी जी का विकल्प मुझे नहीं लगता देश में किसी के पास है। देखिए, जीएसटी का केला केंद्र सरकार नहीं करती, ये पूरे जीएसटी में प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार सब लोगों का सामूहिक फैसला होता है। इसमें 66% मत प्रदेश सरकारों के होते हैं, तो जिस पे पूरे देश की सरकारों को लगता है कि हाँ बेहतर है लगाना, क्योंकि सरकार जनता के दिए हुए टैक्स से ही चलती है, सरकार के पास अपना तो कुछ है नहीं। हाँ, जो टैक्स के रूप में आप देते हैं सरकार उसे डेवलपमेंट पे, गरीब कल्याण में, अलग अलग योजनाओं में लगाती है। बेहतर अब यह है कि जो टैक्स आप लोग देते हैं उस टैक्स का सदुपयोग हो रहा है, उसमें करप्शन में नहीं जा रहा, वो बीच में कहीं गायब नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं सारा का सारा जनता की भलाई में काम आ रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करते हो कि ना खाने ना खाने के लिए, लेकिन जिस तरह से टैक्स की रिपोर्ट आई है उसमें 18 किलोमीटर 18 करोड़ और उसमें 250 करोड़ की बात आ चुकी है, तमाम इस तरह गृह मंत्रालय है तो अमित शाह का उसमें भ्रष्टाचार के लिए शिकायत आई, इसको किस तरह? देखिए, कैग की रिपोर्ट में कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, ये प्रोसीजर के लैप्स हैं, भ्रष्टाचार नहीं है। अब अभी कैग की रिपोर्ट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कहा गया कि जो पैसा ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रदेशों के पास गया उसका डाइवर्जन हुआ, तो ये तो कह सकते हैं भ्रष्टाचार का कोई आरोप कैग की रिपोर्ट में कहीं नहीं है। और इस सरकार में 14 से आज तक केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप तो हमारे विपक्षी भी हमारे ऊपर नहीं लगा पाए आज। लेकिन जिस तरह से शर्मानी चाहिए जो खुद डकैत रहे हैं, जिन्होंने इस देश को लूटा है। अभी भाई कैग की बात कर रहा था, कैग तो जब थी जब आता था कि 2G घोटाला 1 लाख करोड़, 4G घोटाला इतना, कोयला घोटाला, केक तो जब केक की रिपोर्ट तो जब पढ़ने में जाता जो खुद डकैत है वो दूसरों को, तो उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल मुझे तो लगता नहीं करना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी यहाँ पे आए थे, धान लगा रहे थे, ड्रामा मानते हैं इसे आप? उसकी राज्य हो, धान लगा हुआ है, चेरी लगा हुआ है, अब उसे तो पता नहीं चेरी क्या हो, पूछो धान भी उसे जीरी बता दोगे तो नहीं पता लगने का क्या है। वो पॉलिटिकल टूरिज्म है, करते रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? आपकी पार्टी के भी 4 बड़े नेता कपड़े निकाल के प्रदर्शन कर रहे थे जब सत्ता में नहीं थे। हाँ, हम भी पॉलिटिक्स कर रहे थे, जो विपक्ष में होते हैं पॉलिटिक्स करना उनका भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार था। हमने तो नहीं कहा भाई वो गलत कर रहा है, हमने शब्द तो इस्तेमाल नहीं किए, उसकी इच्छा है कुछ भी करे, कोई लोकतंत्र में मुद्दे कहाँ गए? नहीं, मुद्दे हैं, क्यों नहीं है मुद्दे भाई? हमारा तो मुद्दा विकास है और गरीब कल्याण है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो विपक्ष को मुद्दा लाना है क्या है? अब विपक्ष बेरोजगारी का मुद्दा लेकर आता था, इस वर्ष 10 लाख नौकरियां केंद्र सरकार दे रही है जिनमें से 4 लाख हो चुकी और बची हुई 6 लाख दिसंबर तक देनी है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि केंद्र सरकार में किसी भी मंत्रालय में कहीं भी कोई पद रिक्त नहीं रहेगा, हमेशा पद रिक्त रहे हैं। और 10 लाख नौकरियां एक साल में देना केंद्र सरकार का, शायद मुझे लगता कि आप इनका रिकॉर्ड भी कभी कभी उठा लिया करो। लेकिन
राहुल गांधी एक और बात कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, उसके दिमाग में केमिकल लोचा है बेचारे के, उसे पता ही नहीं क्या कहना, और कोई कुछ ही कलवा दो वही कह दे, उसे पता ही नहीं। अब लोकतंत्र है, जब ही तो घूम रहा है हर जगह, जब ही तो दान लगा रहा, यात्रा कर रहा, लोकतंत्र ना होता तो कैसे करता यात्रा, यात्रा से कुछ सीधे से बात। अब देखा था यात्रा के बाद, मुझे तो ऐसा ही लगा जैसा पहले था, ज्यादा फर्क सा दिखाई नहीं दिया। ठीक है जी, स्वास्थ्य प्रस्ताव पे एक तरह से कह सकते हैं विपक्ष को पीछे हटना पड़ा, जरूर जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा समर्थन है विश्वास प्रस्ताव पर भी सांसदों का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मिला, और शायद जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए गए थे उनका इतनी अच्छी तरह जवाब कभी पहले ना दिया गया। और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि 18 में लेकर आए थे, 23 में लेकर आए, तो अब अगली बार 28 में विश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे, तो आज रोहतक लोकसभा की बैठक है। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, इसरो को, वैज्ञानिकों को बधाई, और पूरे देश में जो उत्सव का माहौल है आप ये कह सकते हैं, स्कूल से लेकर जैसा शादी का माहौल होता है किसी परिवार में, तो लोग इतने ज्यादा जुड़ चुके हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के वैज्ञानिकों के लिए और देश के लिए है। इसमें जो भी जुड़े हुए हैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। देखिये राजनीति एक अलग चीज है करना, मैं पिछले 9.5 साल में किसान में, आप अगर MSP के रेट देखेंगे, चाहे आप गेहूं के देखिए, चाहे आप चावल के देखिए जो हरियाणा में पैदा होता है, आप खरीद की देखिए कितनी बढ़ चुकी है, और 2014 से आज तक यूरिया के दाम नहीं बढ़े हैं, जो 14 में थे हमें विरासत में मिले थे, जबकि इंटरनेशनल मार्केट 60,000 करोड़ रुपये का उस समय पर फर्टिलाइजर सब्सिडी थी, आज 2,00,000 करोड़ रुपये फर्टिलाइजर सब्सिडी है। अकेले किसान सम्मान निधि का हर वर्ष कितना है, 3,00,000 करोड़ से ज्यादा किसानों को उसमें जा चुके हैं, तो अलग अलग योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार लगातार किसानों की मदद कर रही है। जंगलराज दोबारा वापस आ चुका है बिहार, जो नीतीश जी ने जिन से हाथ मिलाया है ये तो पहले से स्पष्ट था कि ऐसी होने की स्थिति है। और भाई का जो सवाल था, मैं नहीं कहता किसान की सभी समस्याओं का हल हो गया, आज भी किसान के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, और ना 9.5 साल में सब कुछ हल हो सकता था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही, मुझे तो लगता नहीं कि पहले किसान कोई बहुत ज्यादा इस पहले से तो बेहतर हो सकती है, थोड़ी बहुत और भी करने की आवश्यकता है, इसमें कहीं कोई दोहरा है। आप मैंने कोई बात नहीं इन्हें बता दो, दरभंगा में अभी तक प्रदेश सरकार ने जमीन नहीं दी है, जमीन देने का काम प्रदेश सरकार का है, और जितने एम्स बने हैं ये सब मोदी के राज में ही बने हैं, और हर जिले में मेडिकल कॉलेज की योजना, आप कल्पना कीजिए कि देश के हर जनपद में मेडिकल कॉलेज होगा, और बन रहे हैं, ऐसा नहीं, आपके हरियाणा में भी बने हैं। नहीं मैं तो नहीं कह सकता, हर पूरे देश में ये है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, हरियाणा की ज्यादा बातें बताएंगे मैं एक पर्टिकुलर। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।